सो ही मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, वंस अगेन वेलकम बैक टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय। हाउ इज जोश माय लाल बाल गोपाल? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया हो और एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। खैर, आज लाइव नहीं हो पाया, लेकिन आज लाइव की जगह पर ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको जा रही है। दिल से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। जस्ट अ सेकेंड, मुझे लगता है कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। ऑलराइट, जो भी हुआ है, सर का फोन साइड में चल रहा है। बच्चा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड टुडेज टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का थ्योरी लिखने को आ सकता है, एंड ट्रस्ट मी मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, अगर आप इसे एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके प्राण निकलना तय है, लेकिन अगर बाबा एसएसपी के दरबार में पढ़ रहे हो ना तो आपको इश्क मोहब्बत होना तय है। तो हो जाइए तैयार, है ना, ईयरफोन लगा लीजिए और अगले 20 से 25 मिनट में आपको ये पूरा टॉपिक फील करवाता हूँ, कैसे लिखना है, कैसे मार्क्स आएंगे, क्या लिखने पर आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, मार्क्स आपके कहाँ पर कट नहीं होंगे, क्या ध्यान रखना है, सब कुछ 2 से 3 मार्क्स में। तैयार हो? चलो लेट्स बिगिन द क्लास। तो जैसा कि आप लोग यहाँ सेटअप में देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, सेटअप में ना इसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये है आपका क्वार्ट्ज विंडो। ये एक क्लोज चैम्बर है जहां पर ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या था? लाइट का आना और उस लाइट से आपको करंट बनाना। इस नाम तो पता चला ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके नाम से पता चल रहा है कि लाइट आए और लाइट के आने से हम करंट अगर बना पाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, सिस्टम के अंदर ऊपर जो आप देख रहे हो वो एक क्वार्ट्ज विंडो है। क्या है ये? एक क्वार्ट्ज विंडो। यहां से यूवी रेज लाइट आएगा और इसके साथ टकराएगा। ये जो चीज जस्ट मैंने अभी हाईलाइट करा, इसको हम फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलेंगे, और जो उसके ठीक सामने है वो हमारा कलेक्टर प्लेट है। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ना बच्चा लोग, हम लोगों ने क्या किया, वायरिंग करके इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है, और यहां पर हमने लगाया है एक एसी सोर्स। अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखोगे तो उस एसी सोर्स के जगह पर अजीब सा स्विच है, अजीब सा की है, जिसमें पता नहीं चलता कि स्विच कहां जा रहा है, क्या जा रहा है। तो उसके जगह पर यू कैन कंसीडर दिस सिंपल सा एसी सोर्स, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लगाना बहुत ध्यान से नहीं है, चश्मा लगाने के बाद ध्यान से सुनिए। जब ये यूवी रेज या लाइट इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले धबाड़ धबाड़ धबाड़। इनिशियली हम मान लेते हैं ये वाली प्लेट प्लस है और ये वाली प्लेट क्या है, माइनस। तो इस प्लेट के प्लस होने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे साइन कैसा है, माइनस का, और ये जो सी वाली प्लेट है वो कैसी हो गई, प्लस हो गई। इसीलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां कलेक्टेड हो जाएंगे, और कलेक्ट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहां से इस रास्ते के थ्रू मूव होने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो काम ही होता है, उनको भैया जहां से रास्ता मिलता है वो चलने लग जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से रास्ता मिला, धबड़ 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 करके वो चलने लग गए। गॉट माई पॉइंट? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होना चालू हो गया। मैं यहां लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन का क्या चालू हो गया, मोशन चालू हो गया। इमेजिन करो कि मैंने यहां पर ना एक लगाया है एमीटर, तो क्या ये एमीटर डिफ्लेक्शन देगा? जवाब बड़ा सिंपल सा है कि सर, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में चलने लगे तो ये इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा किस चीज का, करंट का। अब आप सोचो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, यहां पर किसी भी तरह की बैटरी नहीं है, है क्या बैटरी? कहीं नहीं है यहां पर, किसी भी तरह की बैटरी नहीं है, फिर भी आपको ये हमारा एमीटर इंडिकेशन दे रहा है करंट का। यानी इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जो लाइट से बनने वाली करंट है उसे हम नाम देंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं आगे के पॉइंट्स में इसे शॉर्ट फॉर्म में पीईसी कहूंगा, आपको याद रखना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो मींस व्हाट? लाइट। तो लाइट से बनने वाली करंट को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका पहला पॉइंट हुआ, आपको लिखना होगा अपने नोटबुक में एग्जामिनर को लुभाने के लिए, उसे मार्क्स पूरा दे वो, इसलिए कि भैया इनिशियली लाइट गिरी, फोटोसेंसिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और एसी सोर्स का एक टर्मिनल प्लस था जिसकी वजह से कलेक्टर प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन चलने लगे और करंट बन गया, करंट बन गया, तो हमने इसे नाम दिया पीईसी। अब इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मोड चेक करते हैं, क्या कि हम यहां से ना वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और हम करंट को ऑब्जर्व करते हैं,
क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये किताब से मत पढ़िएगा, प्राण निकल जाएंगे। मैं जैसे समझा रहा हूँ समझ जाओगे तो आपको प्यार हो जाएगा। हमने यहां पर एसी वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल को बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल 2 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, 6 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, 10 वोल्टेज। पर हमने एक चीज नोटिस करी कि करंट पहले 2 एम्पियर था, 4 एम्पियर था, फिर 4 था, सॉरी, हाँ, करंट आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, अरे हाँ, 6 हुआ, 6 हुआ, अभी भी 6 है। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद यू कैन सी कि करंट आपका कांस्टेंट हो गया, अब वो नहीं बढ़ रहा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी एस फोटोसेंसिटिव प्लेट है, जो इलेक्ट्रॉन पैदा कर रही है यार, उसके अंदर ऐसा तो है नहीं ना कि लाइट गिराते रहोगे तो लाइफ टाइम तक करंट बनता रहेगा। जैसे मान लीजिए ई कौनो प्लेट है, पता नहीं क्या है, तो अगर इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 6 एम्पियर की करंट बना सकते हैं, तो एक बार 6 एम्पियर की करंट बन गया तो आप ये वोल्टेज बढ़ाते रहिए, उनको क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? किसी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना क्योंकि ग्राफ में आगे हम इसे मेंशन करने वाले। तो फिर से रिपीट करता हूं, हमने पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाया, हमने देखा करंट बढ़ा, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड करंट बिकम्स कॉन्स्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन दैट फोटोसेंसिटिव प्लेट। सो व्हाट वी कैन डू द नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट में अपने वोल्टेज को नेगेटिव कर लेते हैं। हमने देखा कि हमने वोल्टेज को जैसे ही नेगेटिव करा, -10 वोल्टेज, तब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर नेगेटिव करते ही ये टर्मिनल नेगेटिव होना चाहिए था, सी वाला, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिपेल करेगा तो करंट तो जीरो होनी चाहिए, बट करंट असलियत में जीरो नहीं था। उसका रीजन है, ये जो डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए हैं, कौन से डिपार्टमेंट में? इस डिपार्टमेंट में, यहां पर जो मैंने जस्ट अभी हाईलाइट किया, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक नेचर जैसे नहीं होते। इसमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम के ऑर्बिट के अंदर, उस ऑर्बिट से निकलते हैं, ध्यान से सुनना, जो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब वाले ऑर्बिट से निकलता है उसकी ताकत भी ज्यादा होती है। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव से रिपेल करने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल की जरूरत है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहता हूं हमेशा साइको इलेक्ट्रॉन्स। कारण यही है कि आपका इलेक्ट्रॉन करंट आपका जीरो नहीं हो पाता, बिकॉज अभी भी नेगेटिव वोल्टेज पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा है। हाँ, तो -10 वोल्टेज होने पर ही आपका 5 जरूर हो गया। कौन? ये आपका 5 हो गया। फिर आपने बढ़ाया नेगेटिव वोल्टेज, थोड़ा सा और बढ़ा, बिकॉज ये तो आपके हाथ में है, आपने नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाया, ये आपका 4 हो गया। आपने फिर 15 वोल्टेज किया, ये आपका 3 हो गया। आपने 20 वोल्टेज कर दिया, ये आपका 0 हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, यू कैन ऑब्जर्व दैट कि करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आपकी वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो गई। यहां पर एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि जिस नेगेटिव वोल्टेज पर, ध्यान से सुनना, जिस नेगेटिव वोल्टेज यानी जिस नेगेटिव पोटेंशियल पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, उस नेगेटिव पोटेंशियल को बच्चा लोग हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये मेरे पुराने वीडियोस के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है, प्लीज आप उन्हें भी अगर गो थ्रू करोगे ना तो आपको नए लेक्चर्स की जरूरत भी कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नए लेक्चर्स आ रहे हैं तो उन्हें भी देखिए, उन्हें भी अपना प्यार जरूर दीजिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब हमने ये देखा कि पहले तो हमारा करंट कांस्टेंट हुआ, जैसे ही हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया करंट हमारा थोड़ा कम हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट हमारा जीरो हो गया। तो जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जाए उसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरे लाल बाल गोपाल, अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हो, देखो बोर्ड की तैयारी आपकी यूट्यूब वीडियो से हो जाएगी, बट नीट नहीं होने वाला। 2022 एकदम सामने ही है, आपको असाइनमेंट चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की प्रिपरेशन करनी है, तो वेदांतों का क्रैश कोर्स चल रहा है, लपक लो। प्राइस ओनली 9000 है एंड यू ऑल हैव टू अप्लाई सुप्रो कोड फॉर दैट। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। याद रखो बच्चों, यूट्यूब से अगर आपका नीट निकलना होता तो हर साल 17 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, भरते हैं फॉर्म, लेकिन सबका नहीं निकल पाता क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की कमी यूट्यूब में है। आपको वीडियोज तो मिल जाएंगे बट आप कितना बेहतर कर रहे हो, कितना अच्छा इफिशियंटली जा रहे हो, वो हमें नहीं पता चलेगा। आपका ट्रैक रिकॉर्ड और वो सब कुछ वेदांतों के प्लेटफॉर्म से हो सकता है, इसीलिए आप इन्हें बहुत ध्यान से सीरियसली लीजिए।
चलिए अब वापस मुद्दे पर आते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर बात करते हैं, ठीक है। अब हम किस पर बात करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। इतनी कहानी समझ में आ गई, अब बात आती है ग्राफ की। अब एक बात बताओ, ग्राफ से भी जाने से पहले, जिस वक्त हमने यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जिस वक्त हमने यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल दिया, उस वक्त ये जो साइको इलेक्ट्रॉन था वो अपनी पूरी ताकत से इस नेगेटिव पोटेंशियल का सामना कर रहा होगा या फिर थोड़ा बहुत ताकत से? जवाब है अपनी पूरी ताकत से। कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी सामने वाले नेगेटिव पोटेंशियल को पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करेगा, इसीलिए एट नेगेटिव पोटेंशियल एक फॉर्मूला निकल के आएगा, नेगेटिव और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमारा वर्क डन है, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज इज इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। आपकी जो एनर्जी है बच्चा लोग, वो काइनेटिक एनर्जी होगी और वो मैक्सिमम होगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। बात समझे मैंने क्या बोला? यानी आपने ये जो वी नॉट यहां देख रहे हो, हियर दिस वी नॉट इज नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, गॉट इट? तो नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाली ताकत, और उस वक्त ईवी नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं ग्राफ की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ में कुछ और पॉइंट्स निकल करके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एकदम सुनना। हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, मैं अब अपना कारीगरी दिखाता हूँ बच्चा लोग, ये देखिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। अरे भैया चलो तो सही, यस। एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एक और लाइन ड्रॉ, ये मैंने लाइव ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस तरफ हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और इस तरफ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, ये हमारा नेगेटिव पोटेंशियल। इसको अगर आप किताब से समझेंगे तो नहीं समझ में आता, पर राइट साइड जो कुछ भी है वो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो किसी एक नेगेटिव पोटेंशियल पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करेंट जीरो था, मतलब ये वाली लाइन आपकी जीरो है। लेकिन जैसे जैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि ये देखिए, अगर हम -10 से 10, 8, 6, 4, 2 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा करंट तो बढ़ रहा है, यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। बट उसके बाद आपका करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में कांस्टेंट दिखाता है। अब एक चीज समझना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हमने दो बल्ब ली, एक रेड और एक येलो। अगर मैं रेड से येलो पर जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज किया। अगर मैं कहता हूं 10 वॉट की रेड और 20 वॉट की रेड बल्ब, इसका मतलब मैंने क्या चेंज किया पता है? इंटेंसिटी। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, किताबों से समझ में नहीं आता। एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट लोगों ने ना इस लाइट में जो कि यहां से एंट्री मार रहा है, वहां पर ना अलग अलग लाइट ली थी, रेड से येलो तो फ्रीक्वेंसी अलग, 10 वॉट से 20 वॉट तो इंटेंसिटी अलग। अब बात को समझना, 10 वॉट की इंसेंटी बोल रहा हूं, इंटेंसिटी, सॉरी टंग स्लिप हुआ, 10 वॉट की इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखकर अगर हम रेड से येलो पर जाएं, इनमें से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तो देखा गया रेड और येलो में आप सोचोगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, VIVGYR से हो सकता है। तो ये देखा गया कि यही ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, ये ढिचकियां, यानी जो नेगेटिव पोटेंशियल आपको -20 पर मिल रहा था करंट को जीरो करने के लिए, वो -40 पर मिला। इसका मतलब समझे, जब हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके फ्रीक्वेंसी चेंज करा ना, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते ही ई बराबर में एच एफ के हिसाब से एनर्जी बदल जाती है। यानी अगर यहां पर आने वाली लाइट में मैं फ्रीक्वेंसी को वैरी करता हूं, तो फ्रीक्वेंसी को वैरी करते ही एनर्जी बदल जाती है, इसीलिए ये साइको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी चेंज हो जाती है, इसीलिए उसको इस नेगेटिव पोटेंशियल का सामना करने के लिए और ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। ताकत यानी कि क्या? वर्क यानी कि ईवी नॉट यानी कि 1/2 mv² मैक्सिमम। इसीलिए ग्राफ यहां -40 पर चला गया, और आप फ्रीक्वेंसी चेंज करो, रेड व्हाइट ग्रीन कर लो, यही ग्राफ कुछ आपको ऐसा आ जाए। तो आप सवाल पूछ सकते हो कि सर अगर हम इंटेंसिटी बदल दे तो? लीजिए भाई, आप यहां पर आ जाइए, 10 वॉट कर दीजिए, वही एक्सपेरिमेंट करिए, रेड व्हाइट
ग्रीन, तब आप देखेंगे कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। इसका मतलब समझिए आप, बहुत ध्यान से समझिए, इंटेंसिटी जो है ना दैट डिपेंड्स नंबर ऑफ फोटोन्स, दैट डिपेंड्स नंबर ऑफ फोटोन्स, और जो एनर्जी है किसकी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है जो यहां से निकल रहे हैं, ये इनकी एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही है, इनकी एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर। तो एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर। ये दो कैची लाइन ऐसे हैं जहां से आपके सीबीएसई ने कई बार सवाल पूछा है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स की थियोरी अक्सर लिखने को आती है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाए ना, इस पॉइंट से अगर आप जाओगे तो आपका कोई मार्क्स नहीं कट करने वाला। मैं सारे पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। वी हैव अ सेटअप जिसके अंदर फोटोसेंसिटिव प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, सेंसिटिव प्लेट पर लाइट आके गिरी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, कलेक्टर्स ने उसको अट्रैक्ट किया क्योंकि सी कनेक्टेड है सीधा प्लस के साथ। लेकिन जैसे ही हमने प्लस वोल्टेज को बढ़ाया तो हमने क्या देखा कि करंट कांस्टेंट हो जाता है। देन फिर हमने वोल्टेज को नेगेटिव किया तो एक झटके में करंट जीरो नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, साइको इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के बहुत करीब है, वहां से निकलते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उनको टैकल करने के लिए आपको नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाया और आपने देखा कि किसी एक नेगेटिव पोटेंशियल पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। उसे ही हमने नाम क्या दे दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल बना, कहानी उसी समय ये फॉर्मूला आया, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। फिर आपने ग्राफ बनाया कि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी, आपने इंटेंसिटी चेंज करा, अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग फ्रीक्वेंसी से कंक्लूजन निकला कि जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, और जो एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस चैप्टर का टॉपिक हेयर इज डन। सो इन जस्ट 17 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, आपको सारी बातें मैंने समझा दी है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखते हुए नोट्स बना लो, या ये जो मैं लिख रहा हूं मैं एक साथ बंच करके आपको टेलीग्राम पे अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। आप मेरे पुराने जो वीडियोस हैं आप उसे भी देख करके अगर आप इन वीडियोस को देखोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। बट डोंट फॉरगेट, नीट जैसी एग्जाम को टैकल करने के लिए रिस्क मत लीजिए। आपको वेदांतों का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ हो जाएगा, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, आपके लाइव क्लासेस चल जाएंगी, आपका असाइनमेंट, आपकी टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस नीट का क्रैश कोर्स। सो बच्चों डोंट वेट, लिंक इज गिवन इन वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपके अभी ज्वाइन कर लो। कोर्स की प्राइसिंग बाद में बढ़ सकती है, अभी मात्र 9,000 रुपये है। आपको एक कोड बताता हूँ, इसे लगा दीजिएगा, दैट इज सुप्रो SUPRO। इस कोड को लगाते ही मेरे प्यारे बच्चों आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर चुके हैं, आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, छुट जाइए अभी के अभी, कोर्स खरीदिए और अपनी नीट की तैयारी करिए। बाकी बोर्ड के लिए तो मैं हूँ ही, सारा चीज़ आपका हो गया। देखिए इससे पहले की जो क्लास थी वो भी पढ़ा है, तो नोट्स के लिए जो बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स, तो नोट्स मिल जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब अगले क्लास के अंदर जब हम मिलेंगे तब लाइव मिलेंगे, और मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ इस चैप्टर के खास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय।